नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गणपति पुले पर और पहुंच गए हैं हम एक और नाश्ते की मिशन पर। तो ये देखिए एक छोटा सा टीज़र है जो आपके मुंह में पानी ज़रूर ले आएगा, लेकिन अब हम आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो दोस्तों गणपति पुले प्यारा सा सुंदर सा छोटा सा कोस्टल टाउन, और सुबह हो चुकी है और हमारे साथ ही निकल पड़े हैं नाश्ता ढूंढने के लिए। दोस्तों जब भी हम किसी छोटे शहर में जाते हैं या किसी बड़े शहर में भी जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ का लोकल कुजीन खाया जाए, यानी कि वहाँ की जो लोकल डिशेज़ है ना उनमें जो मज़ा है वो बाकी नॉर्मल खाने में नहीं आता। उनमें उन लोकल फ्लेवर्स होते हैं, लोकल टेस्ट होता है, और जो चटकारे लेकर खाने का मज़ा आता है ना उसकी बात ही कुछ और है। तो आज ऐसी ही तलाश में हमने एक ढूंढी है एक महाराष्ट्रीयन नाश्ते की जगह, लोकल नाश्ते की जगह जिसका नाम है खाऊ कट्टा। जी हाँ, हमारे खाऊ दोस्तों के लिए खाऊ कट्टा छोटा सा रेस्टोरेंट है, गणपति पुले शहर में ही है, और यहाँ पर बहुत स्वादिष्ट महाराष्ट्रीयन डिशेज मिलती हैं। तो कट्टा यानी कि बेंच, और हम बैठ गए कट्टे के ऊपर, और कट्टे के ऊपर बैठकर अब सोचा जाएगा नाश्ता किया जाएगा, क्या किया जाएगा। ये देखिए कट्टा मिसल, कट्टा वड़ा, कट्टा 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 ही कट्टा, पोहे रस्सा क्या क्या। छोटा सा प्यारा सा साफ सुथरा किचन है, लोकल लेडीज़ हैं जो यहाँ पर खाना बना रही हैं, नाश्ता बना रही हैं, और ये बन रही है लता जी की फेवरेट साबूदाना खिचड़ी। और देखिए कितनी सिंपल है, हरी मिर्चें डाली, जीरा डाला तेल में, साथ में उबले हुए आलू डाले, और बस फटाफट तैयार हो जाएगी साबूदाना खिचड़ी। लेकिन जब तक नाश्ता तैयार हो रहा है भूख बहुत बढ़ रही है, पेट में चूहे बहुत दौड़ रहे हैं, और छोटे नन्हे मुन्ने साथी को तो बहुत भूख लगी है। तो भैया जब तक नाश्ता नहीं आता नाश्ते की तस्वीरें ही देख लो, दिल बहला लो। लेकिन दिल बहल नहीं रहा, उल्टा भूख और बढ़ रही है। ये लीजिए भूख का इलाज आ गया, गर्मा गर्म महाराष्ट्रियन मिसल पाओ। और देखिए ये प्रथा तो बिल्कुल मत छोड़िए, हाथ सैनिटाइज ज़रूर कीजिए, साथी हमारे कर चुके हैं इसलिए दोबारा उन्होंने नहीं किया। तो अब हम टेस्ट करेंगे यहाँ का लोकल मिसल पाव। महाराष्ट्र में ये डिश बहुत फेमस है, हर जगह मिलेगी, पुणे नासिक कोल्हापुर कहीं पर भी जाइए तो मिसल पाव यानी कि बस मज़ा ही मज़ा। नाश्ते में भी खाया जाता है, लंच में भी खाया जाता है, कभी भी खा सकते हैं। तीखी तीखी ग्रेवी होती है, अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, बहुत ही स्वाद होता है। और देखिए जैसे बच्चे ने भी खाकर देख लिया, स्पाइसी तो है लेकिन इतना नहीं, तो सब लोग खा सकते हैं। जब तक लता जी की साबूदाना खिचड़ी नहीं आती तब तक वो मिसल पाव का सेवन कर रही हैं, टेस्ट कर रही हैं, बताएंगी मिसल पाव कैसा लगा। और ये बाइट तो ज़्यादा ही अच्छी लगेगी क्योंकि नन्हे मुन्ने बेटे ने जो खिलाई है, आहा मज़ा आ गया लता जी मिसल पाव का। और ये आई एक अलग डिश, ये हमने पहले कभी नहीं खाया, ये इसके अंदर एक बटाटा वड़ा है, बटाटे वड़े के ऊपर रस्सा डाला गया है, यानी कि मिसल की ग्रेवी ऊपर थोड़ा सा सेव और प्याज, और ये बटाटा वड़ा इसके अंदर डूबा हुआ है, उसने सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं और वो फ्लेवर्स अब हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लता जी आप भी ये ज़रा खाकर बताइए कैसा लगता है आपको ये कट्टा रस्सा वड़ा। और ये लता जी ने भी वड़ा खाया, अलग सा फ्लेवर है, साथ में पाव तो खाना ही पड़ेगा भैया, मिसल पाव वड़ा पाव ये तो बस मियाँ बीवी की तरह होते हैं। और ये जो रस्सा है ना ये कमाल का है, गर्मा गर्म है, लाल लाल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि थोड़ा बहुत स्पाइसी है लेकिन इतना भी नहीं कि आप खा ना सकें। और ये बटाटा वड़ा, इसके बिना तो महाराष्ट्रीयन नाश्ता पूरा ही नहीं होता, गर्मा गर्म बटाटा वड़ा और साथ में सूखी लहसुन की चटनी, मज़ा आ गया। जब तक ये सब चल रहा है यहाँ पर साबूदाना खिचड़ी तैयार हो रही है। देखिए कितनी सिंपल सी डिश है, और ये आ गई लता जी के सामने साबूदाना खिचड़ी। जी हाँ अब हम सेवा करेंगे लता जी की, ये लीजिए लता जी साबूदाना खिचड़ी। और ये इसके साथ एक अलग चीज़ दी है इन्होंने, ये ग्रेटेड नारियल, इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाली क्योंकि थोड़ा सा मीठा था, इसको उन्होंने कहा कि खिचड़ी के ऊपर आप डालकर खाइए तो मज़ा आएगा। ध्यान से लता जी गर्मा गर्म होगा, अभी अभी आया है, बताया था आपको गर्म होगा, आराम से प्यार से खाइए, हाँ हाँ मज़ा तो आएगा ही क्योंकि ये लोकल साबूदाना खिचड़ी है। ये जो फ्लेवर्स हैं हम कितना भी कोशिश करें अपने घर पर नहीं बन पाते, लेकिन फिर भी हम कोशिश जारी रखते हैं, कभी ना कभी तो बन जाएगा। तो ये देखिए रस्सा साबूदाना खिचड़ी और साथ में ग्रेटेड कोकोनट की चटनी भी कह सकते हैं, या एक साबूदाना खिचड़ी का साथी। अब नाश्ता तो हो गया पूरा, लेकिन नाश्ता बिना गर्मा गर्म चाय के पूरा कैसे हो सकता है। तो खाऊ कट्टा के बाहर ही एक भाई साहब ने अपनी चाय की टेकड़ी कही है या चाय की छोटी सी दुकान कही है, रेड़ी कही है, वो लगा कर रखी है। अब हमने उनसे कहा कि भैया गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिलाइए तो इस नाश्ते का मज़ा दुगना हो जाएगा। तो भैया ने फर्स्ट क्लास तैयार की गर्मा गर्म चाय,
चाय की हम लेंगे चुस्कियां, और आप भी जब भी गणपति बुले जाएं तो खाऊ कट्टा ढूंढ कर ज़रूर जाइएगा। यहाँ का नाश्ता ज़रूर करिएगा, ये सुबह भी खुलता है और शाम को भी खुलता है, और यहाँ पर नाश्ते का मज़ा ही कुछ और है। सेल्फ सर्विस है, गर्मा गर्म मिलता है और चाय भी गर्मा गर्म मिलती है, आप देख ही रहे हैं आपके सामने। तो बस दोस्तों, ये था आज का हमारा नाश्ते का सफ़र, खाऊ कट्टा इन गणपति पुले। तो जब तक हम अपनी अगली जगह पर आपके साथ नहीं पहुँचते, क्या कहते हैं, खाते पीते रहिए, खुश रहिए, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और खाओ पियो ऐश करो। धन्यवाद।